ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਢਕੋਲੀ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪੀਰ ਮੁਛੱਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਹਾਈਟਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਫਲੈਟ 'ਚ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਲੁਟੇਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਲੈਟ ਮਾਲਕ ਰਕੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਥੋਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲੈਟ ਦੀ ਰੇਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੁੱਟਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਜੋ CCTV ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੁਟੇਰੇ ਇੱਕ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਫਲੈਟ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 2 ਬੈਗ ਅਤੇ 2 ਸੂਟਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। CCTV कैमरे के हिसाब से यंग ही सही लग रहे हैं, जैसे 30-40 साल आधा घंटा दे अंदर फेस पे किसी तरह का उन्होंने कोई ना पड़ता वो नहीं डाला हुआ, कोई एक आदमी है वो यूँ छुपाने की कोशिश कर रहा है, हाथ जैसे ऐसे थोड़ा सा लगा रहा है कैमरा देख के शायद, बाकी यूँ दिख रहे हैं नॉर्मल उतर रहे हैं। मैं तो 4:54 में अंदर गए। हाँ 5 बजे गए हैं, 5:30 बाहर। 5:30 बाहर आपके पास कुछ है ना एक्स्ट्रा? वो एक दो बैग, एक आधा बैग लेके आए हैं, सादा साथ में लेके आए हैं। नहीं, जब खाली आए हैं कि जब गए हैं? गए हैं तब तो 4 बैग हैं उनके पास, 2 सूटकेस से 2 बैग भर के लेके गए हैं, तो मतलब 2 सूटकेस लेके गए हैं, 2 खाली बैग जो भरे हुए हैं बैग वो भी हैं। 4 टोटल है? 4 टोटल। ओके, तो कोई वेपन वगैरह भी दिखाई? वेपन हमें नहीं दिखाई दिया या हमारे कैमरे में हमें नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जो जिनके घर में घटना हुई है वो ये बता रहे हैं कि 2 के पास पिस्टल थे और 2 के पास चाकू, उनके कहने के मुताबिक। हाँ, जो तो ये फ्लैट ओनर है, ये जो बंदा है ये राजेश वर्मा है? राकेश। ये कब से रह रहे हैं यहाँ पे? ये अभी शिफ्ट हुए हैं, थोड़ा ही टाइम हुआ है, क्योंकि सारे यहाँ लगभग ये सोसाइटी में ज़्यादातर लोग जो अभी पिछले 1-1.5 साल में इकट्ठे हुए हैं। अंदर मेरा सीम है, सामान गिरा हुआ अंदर, जीजर वगैरह वो सारे, वो थोड़ा सा हाथापाई हुई होनी अंदर की। नहीं, हाथापाई वगैरह का वो कौन कौन थे घर पे उस टाइम पे? मतलब जब वो जो लोग आए हैं तो वो उनके जो जैसे फ्लैट ओनर हैं उनके जो बताने के हिसाब से राकेश की जो वाइफ हैं, राकेश वर्मा की जो वाइफ हैं, वो कह रही है, राकेश वर्मा की वाइफ का नाम मुझे नहीं पता। अच्छा, वर्मा की जो वाइफ है वो कहती मैं घर पे थी और 2 बच्चे उनके राकेश जी के थे और 1 बच्चा सामने जो फ्लैट वाले हैं उनका 1 बच्चा था, पड़ोसियों का बच्चा, वो बच्चे जैसे छोटे बच्चे हैं। कितने साल के होंगे? 7-8 साल की उनकी उम्र होगी, 6 साल होगी, 1 शायद छोटा ही होगा। तो वो बच्चे जैसे आपस में खेलते होते वैसे वो खेल रहे थे और डोरबेल बजी, वो कहते हैं भी हमने देखा, तो एक बंदा अंदर आया उसने ये जैसे उनकी जो स्टोरी जो हमने को उसका नहीं पता इतना कि जब बाकी पुलिस देख रही है पुलिस का वो अलग, हम आपका कोई नाम नहीं मेंशन करेंगे, आपको मैं घटना बता रही हूँ। उन्होंने क्या बताया कि जैसे बैल बजाई एक जो लेडीज है उनसे? अच्छा, तो उनके आगे की जो घटनाक्रम है वो ये है कि मैंने उसको ये कहा, उसने ये कहा, फिर वो कहा, जैसे वो पूरा सीन चला है वो जो उन्होंने जैसे पुलिस को स्टेटमेंट दिया। फिर वो अंदर घुस गए? अंदर घुस गए, उसके बाद वो कहते हैं हमें बांधा, बच्चों को बांध दिया, ऐसे करके जो सामान था वो सामान ले गया। तो उसमें क्या ज्वेलरी लिखाई उन्होंने? अभी तक उन्होंने हमें कोई इसका वो कह रहे हैं उनको पता लगा, जैसे वो कोई टेप थी वो जैसे हटाई उन्होंने कुछ देर बाद में, उसके बाद उन्होंने जैसे हमें धीरे धीरे पता लगा है जैसे उधर से, फिर जैसे उनमें पुलिस कितने बजे आ गई थी? पुलिस को इन्होंने मेरे ख्याल 6:30-6 बजे के आसपास जैसे बताया, 5-7 मिनट में पुलिस आ गई जैसे बताया उसने। वो बोले भी लाओ सामान दो नहीं तो बच्चों को मार देंगे। अच्छा, तो वो उन्होंने जैसे